हेलो दोस्तों, होम साइंस शो पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम गुजरात की प्रसिद्ध मिठाई जिसे कि सूरती घारी के नाम से फेमस है और ये सूरत में बहुत ही ज़्यादा फेमस मिठाई है, तो आज हम इस घारी को बनाएंगे और इसे एकदम सरल तरीके से कैसे बनाया जाए। वैसे तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, अगर आप मावा तगार सभी चीज़ें घर में बनाते हैं तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इसे जल्दी से कैसे बनाया जाए वो आज हम देखेंगे। तो देखिए, ये मावा मैंने पहले से बना करके रख लिया है। अगर हम रेडीमेड लेते हैं चीज़ तो ये जल्दी बन जाता है, और ये तगार है जिसे बूरी खांड कहते हैं। तो 2 कप मावा में मैंने आधा कप तगार डाल दिया है, यानी कि बूरी खांड डाल दिया है। अब इसमें ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता तीनों को मिक्स करके लिया है। आप सिर्फ बादाम और पिस्ता या सिर्फ पिस्ता या केसर पिस्ता, केसर बादाम, इस तरह से भी इसको बना सकते हैं। तो ये काफ़ी ऐसे फ्लेवर में बनती है और काफ़ी अच्छी लगती है। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच पिसी हुई इलायची ले लिया है, और यहाँ पे हम नटमेग यानी कि जायफल, तो 1/4 टीस्पून के करीब यहाँ पे हम ताज़ा ग्रेट करके जायफल डालेंगे। इसमें ताजे जायफल का स्वाद जो है बहुत बढ़िया लगता है। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, ये फटाफट वाला प्रोसेस हो गया। अब त्यौहार के समय हमें मावा या तगार इन सब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पनीर की ज़रूरत पड़ती है, तो इन सारी चीज़ों को हमें घर में ही बना लेना चाहिए, क्योंकि त्यौहार के समय ये सारी चीज़ें मार्केट में बहुत बासी और नकली मिलती हैं। तो देखिए, अब मैंने मावा और इन सब चीज़ों को मिक्स करके रख दिया है। थोड़ी देर इसे हम फ्रिज में रख लेंगे। अब यहाँ 1/4 कप मैदा, इसका हम डो बना करके रख लेंगे, और इसका डो हम एकदम जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना, वैसा ही लगा करके डो रखेंगे। तो देखिए, मैं इस तरह से ही डो बना करके रेडी कर रही हूँ। तो मैं कह रही थी, जो मावा है और पनीर है, तो पनीर तो हमें हमेशा ताज़ा फ्रेश बनाना चाहिए, लेकिन तगार और मावा इसको हम पहले से बना करके अपने फ्रिज में 15 से 20 दिन तक मावा आपका आराम से चलेगा, और तगार तो 4-5 महीना आप उसको अच्छे से रख सकते हो। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि घर में घारी के लिए मावा कैसे बनाया जाए, तगार कैसे बनाया जाए, तो मेरी जो पुरानी वीडियो है मैं उसका लिंक दे दूंगी आपको। मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें मैंने घर में ही मावा बनाया है, घर में ही तगार बनाया है, और एकदम अच्छे से घारी बनाना बताया हुआ है। तो आप उस वीडियो को भी देख करके फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया घारी हमारी बन करके तैयार हो जाती है, और गुजरात में, खास करके सूरत में, आप देखेंगे ना तो हर मिठाई के शॉप पे आपको घारी देखने को मिलेगी, और ये 15-20 दिन पहले से लोग बना करके रखते हैं, और ये काफ़ी महंगी मिलती है, और घर में जब हम बनाते हैं ना तो ये काफ़ी सस्ती हमें पड़ती है, और एकदम फ्रेश ताज़ी घारी बन करके तैयार हो जाती है। मार्केट में तो पिस्ता का कलर लाने के लिए उसमें ग्रीन कलर भी डाल देते हैं, तो घर में बनाने से हम इस कलर को भी अवॉइड कर सकते हैं। तो बातों ही बातों में हमारा डो भी लग करके तैयार हो चुका है। अब देखिए, मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है, और एक छोटा कप ले लिया है मैंने। अब इसमें डाल करके मैं घारी का शेप तैयार करूंगी। ये कप जो है एकदम घारी की तरह ही है, तो मैं इसमें डाल करके इस तरह से शेप बना ले रही हूँ। आप घर की कोई छोटी कटोरी भी ले करके इस तरह से कर सकते हैं, या हाथ से गोल गोल करके भी इसको बना सकते हैं। गोल करके फिर आप इसको चपटा कर दीजिए, देखिए इस तरह से बन जाएगा। तो इसी तरह से हम सारे मावे की घारी बना करके पहले रख देंगे। तो इस तरह से इसको बना करके फिर से इसे हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। तो देखिए, मैंने सारी घारी बना करके रख ली है। अब इसे 5-10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, तब तक हमारा आटा भी एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा और घारी भी अच्छे से सेट हो जाएगी। अब देखिए, आटा भी हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसकी हम क्या करेंगे कि छोटी छोटी लोई बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने एक लोई लिया है, और सूखा आटा इस तरह से हम डस्ट करेंगे और इसको बेल लेंगे। तो इसको हम बेलेंगे, बीच में थोड़ा सा मोटा रहेगा तो चलेगा, बट इसके किनारे एकदम पतले होने चाहिए। तो अब देखिए, हमने घारी एक उठाया और इसको इस तरह से फोल्ड कर, अब इसका एक कोना उठाएंगे और बीच में पानी लगा करके इस तरह से प्लेट डालते हुए इसको हम पैक करेंगे। तो देखिए, इस तरह से इसको हम प्लेट डालते हुए पैक करते हैं, तो ये परफेक्ट पैक भी हो जाएगा और
एकदम परफेक्ट घारी हमारी बन करके ये तैयार हो चुकी है। तो एक मैं और आपको बेल करके दिखाती हूँ। तो देखिए, एक छोटा सा मैंने लोई फिर से लिया है और आटे में इसको डस्ट करके, पहले तो हम इसको पूरी के आकार का बेल लेंगे, बाद में इसके किनारे को ही सिर्फ हम बेलेंगे ताकि किनारे पे एकदम पतला हो जाए। देखिए इस तरह से, बीच में थोड़ा सा मोटा रहेगा चलेगा, लेकिन किनारे एकदम पतले होने चाहिए क्योंकि ये बार बार ऊपर से फोल्ड होते हैं। तो फिर से इसी तरह से हम बीच में पानी लगाएंगे और एक एक इसका कोना उठा करके प्लेट डालते जाएंगे। तो देखिए परफेक्ट घारी हमारी बन करके तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह सारी घारी को हम पैक करके रख लेंगे। तो देखिए मैंने सारी घारी को पैक करके रख लिया है। और हाँ, नीचे थोड़ा सा हम मैदा डस्ट कर देंगे, नहीं तो ये प्लेट में चिपक जाएगी, तब तलने में हमें दिक्कत होगा। देखिए मैंने इस तरह से मैदा डस्ट करके रखा है, तो ये प्लेट में बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है। अब इसे आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में फिर से रख सकते हैं। अब हम कढ़ाई में तेल या घी आप जो चाहें वो गर्म कर लें। तो मैंने यहाँ पे घी गर्म कर लिया है। अब इसे तलने का जो प्रोसेस है वो इस तरह से है, एक कलछी में हम घी घारी को रखेंगे और ऊपर से इसके ऊपर घी डालते जाएंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि हमारी घारी जो है वो खुलने की संभावना नहीं होती है और बहुत अच्छे से परफेक्ट तल जाती है। पहले के लोग इसी तरह से इस घारी को बनाते थे, क्योंकि अगर घारी खुल जाएगी ना तो अंदर का जो मावा वगैरह होता है उससे हमारा घी खराब हो जाता है। तो देखिए एक घारी मैंने इस तरह से तल लिया है, लेकिन इसमें क्या है कि समय बहुत लग जाता है। तो मैं तो एक आपको इस तरह से दिखा रही थी कि ये पहले ऐसा किया जाता था। मैं तो 3-4 घारी एक साथ में डाल करके तल लूँगी। अब इसको एक टिशू पेपर पे निकाल लूँगी ताकि एक्स्ट्रा घी जो हो वो निकल जाए। तो देखिए मैं इस तरह से इसमें घारी डाल करके एक साथ पका ले रही हूँ। हमने बहुत अच्छे से इसको सील किया है तो ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऊपर से घी डालते जाएंगे, तो ऊपर से भी ये पकते जाएगा और धीरे से इसको पलट देंगे। अब देखिए बहुत सावधानी से धीरे धीरे इसको हम तल के निकाल लेंगे। इनकेस मान लीजिए कोई घारी आपकी खुल भी जाती है तो उसको तुरंत आप घी से बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि उसमें से अगर मावा बाहर निकल जाएगा तो घी तो ख़राब होगा ही, दूसरी घारी का भी कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मावा जो बाहर निकला हुआ होता है वो तुरंत जलने लगता है और चिपकने लगता है। तो ऐसा ना हो इसलिए अगर कोई घारी खुल जाती है तो उसको आप तुरंत बाहर निकाल लीजिए। अब इसको हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे और देखिए हमारी घारी दोनों तरफ से एकदम अच्छे से तल करके तैयार हो गई। अब घारी को रूम टेम्परेचर पे एकदम अच्छे से ठंडा होने देंगे हम। और यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब घी को गर्म करके फ्रिज में रख दिया था। ऐसा इसलिए हम करते हैं ताकि जो हमारे घी में दाना होता है, हमें यहाँ दाना नहीं चाहिए घी का, तो जो घी को हम मेल्ट करके फ्रिज में रख देंगे तो उसमें का दाना एकदम ख़त्म हो जाएगा। अब इसको हम खूब अच्छे से फेटेंगे। देखिए इसको इतना फेटेंगे हम कि एक क्रीम जैसा बन जाए। अब सूरत में तो इस घारी को क्या करते हैं कि घी में बहुत अच्छे से डुबो करके खाते हैं। ये जो हम फेट रहे हैं ना, पूरा एकदम चारों तरफ से इसको लपेट देते हैं, लेकिन हम इतना घी नहीं खा सकते हैं इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा घी इस पर लगाएंगे। तो देखिए मैंने घी को बहुत अच्छे से फेट लिया है। अब इसमें मैं 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, तो इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ चीनी आप थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने बहुत मामूली ही डाला है इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स करके सारी घारी पे हम थोड़ा थोड़ा घी वाला जो हमारा एक क्रीम तैयार हुआ है इसको लगा लेंगे। अगर आप पूरा चारों तरफ से घी लगाना चाहते हैं तो आप चारों तरफ से भी इसमें घी लगा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा ही लगाऊंगी। तो देखिए सभी घारी पर मैंने ऊपर से थोड़ा थोड़ा घी लगा करके तैयार कर लिया है। अब ऊपर से काजू बादाम पिस्ता की कतरन हम डाल करके इसको डेकोरेट कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया हमारी घारी बन करके तैयार हो गई है। अगर आप घी नहीं खाना चाहते तो इस तरह से प्लेन घारी पर आप
चॉकलेट का जो सिरप होता है चॉकलेट डाल करके भी खाएंगे ना तो बहुत बढ़िया लगती है। तो है ना बिल्कुल आसान, इजी टू मेक रेसिपी। दोस्तों अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। फिर मिलते हैं एक नई इजी टू मेक रेसिपी के साथ। थैंक यू।